ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी देख रहे थे हम लोग और ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कंडेंसेशन इनफैक्ट ह्यूमिडिटी के बारे में। इस ह्यूमिडिटी में हम लोग काफी कुछ डिस्कस किए हुए थे, इससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे और लास्टली हम लोगों ने यह देखा था कि कंडेंसेशन हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं, Let us complete and let us crack. But before that, these are our contact details and these are the some of the available courses on YouTube. These are Prelims Special, Mains Special and Test Series based on subscription. तो हम लोग देखने वाले हैं condensation के बारे में. But before that, we will start evaporation. तो फटाफट पहले evaporation को देखते हैं, उसके बाद आगे जो है हम लोग continue करेंगे. तो evaporation में आप लोगों को last class में मैंने बता ही रखा था कि evaporation होती है जो basically वाटर वेपर मतलब कि वाटर के इवेपोरेट होने के बाद एमएस डेल्टा टी और फिर अल्टीमेटली एम डेल्टा एल मतलब लेटेंट हीट लेने के बाद वेपर में कन्वर्ट होने को ही हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। हीट इज द मेन कॉज ऑफ इवेपोरेशन। मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर, हेंस द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर ग्रेटर इज द इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये सिस्टम हो जाता है। इनफैक्ट एक चीज मैं आगे जाकर के अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इवेपोरेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्काई हो वो क्लियर स्काई होनी चाहिए ताकि जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भी कह लीजिए कि कंस्ट्रेंट ना आए, तो इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि इवेपोरेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये कह लीजिए डिपेंड कर रही होती है या जिससे अफेक्ट हो रही होती है, तो फर्स्ट फैक्टर हो जाती है अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। सीधी सी बात है, वाटर जो अवेलेबल रहेगी वही तो आखिर में वेपराइज होगा या फिर वही तो आगे जाकर के इवेपोरेट होगा। सेकेंड वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अगेन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको एम एस डेल्टा टी चाहिए होता है और यहां पर टेम्परेचर से मतलब है बेसिकली हीट से रिलेटेड। दूसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन के लिए आपको पता है कि मॉइस्चर होना चाहिए एंड द मॉइस्चर इज एक्चुअली नॉट बट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, तो अगेन जो होती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। एरिया ऑफ इवेपोरेटिंग सरफेस अगेन ये भी एक एरिया होना चाहिए। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि इस तरीके का सरफेस हो और नॉर्मल सरफेस हो, कहां पर ज्यादा इवेपोरेशन हमें देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली ऑन द प्लेन सरफेस इवेपोरेशन विल बी हायर। क्यों हायर होगा? क्योंकि यहां पर जो भी हीटिंग या फिर जो भी रेडिएशंस आएंगी या फिर कह लीजिए जितना भी इंसुलेशन आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। यहां पर जैसे ही ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जो रहेगा, यहां पर इंसुलेशन का जो ये अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अनयूनिफॉर्म टाइप का हो जाएगा और फिर जो कंडक्शन प्रोसेस होती है वो भी कंडक्शन प्रोसेस कुछ खास नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से अगेन यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और इस वजह से एरिया ऑफ इवेपोरेटिंग सरफेस अगेन जो होती है वो काफी ज्यादा अफेक्ट कर रही होती है इवेपोरेशन को। इसके अलावा विंड स्पीड भी इंपैक्ट कर रही होती है। ये विंड स्पीड बेसिकली एडवेक्शन को जन्म देती है, तो ये एडवेक्शन के कारण से यहां पर थोड़ा सा इवेपोरेशन में इंपैक्ट देखने को मिल जाती है। व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर, अब देखिए वेपराइजेशन है, हाई टेम्परेचर चाहिए, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स पाई जाती है एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज एक्सेप्शनली हाई होता है, दिस ऑल लीड टू एक्चुअली डिहाइड्रेशन ऑफ सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ सेवरल इंचेस, मतलब कि वहां मॉइस्चर सॉइल में जो होता है वो भी वेपराइज कर जाता है। एयर प्रेशर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट दे रही होती है इस इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए एंड द कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑब्वियसली इट इंपैक्ट, क्योंकि इवेपोरेशन जो होती है वो फ्रेश वाटर की होती है। मान लीजिए कि वाटर जो है वो सेलाइन वाटर है, तो सेलाइन वाटर भी इसके अंदर में जो क्लोरीन कंटेंट है वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो इस कारण से सेलाइन वाटर को हाई एनर्जी देनी पड़ती है तब जाकर के इवेपोरेशन होता है, जबकि फ्रेश वाटर को रिलेटिवली लो एनर्जी में भी इवेपोरेशन कराया जा सकता है। मोर इवेपोरेशन बाय प्लांट्स, वाटर फ्रॉम द प्लांट जनरली इवेपोरेट एट ए फास्टर रेट देन फ्रॉम द लैंड, बिकॉज यहां से जो प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन, तो ये इवेपो ट्रांसपीरेशन वाला जो फंडा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के बारे में यहां पर थोड़ा सा है। आगे अगर बात किया जाए कंडेंसेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू द वेपर मतलब वाटर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो यहां पर होगा क्या,
सबसे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% से अल्टीमेटली 100% पर पहुंच रही होगी। यहां तक जब तक 100% है अभी तक ये वाटर जो है वो वेपर में ही बदला हुआ है, लेकिन इस पॉइंट के बाद यहां पर सैचुरेशन आ जाएगी और इस सैचुरेशन के कारण से अब आगे ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब ये पॉइंट में आ जाएगा एंड दिस विल बी ड्यू, और ये जो ड्यू होगी वो अब कंडेंसेट हो जाएगी, तो कंडेंसेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली ये क्या सीन हो रही है। लेकिन यहां पर अगेन आपको एमएस डेल्टा टी मतलब कूलिंग वाला टेम्परेचर तो चाहिए ही सही है, लेकिन ये कूलिंग आपकी एम डेल्टा एल यानी कि लेटेंट हीट ऑफ जो कंडेंसेशन है वो चाहिए होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली यहां पर क्या हो रही है, इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हीट। समझ में आ गया क्या चीज है। अब देख लेते हैं यहां पर कौन कौन से अगेन पॉइंट्स होते हैं जो इस पूरे कंडेंसेशन प्रोसेस को इंपैक्ट कर रहे होते हैं। द प्रोसेस द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एट विच द ड्यू पॉइंट इज रीच्ड। तो कंडेंसेशन अलग अलग पॉइंट पे ड्यू पॉइंट पे हमें कैसे पहुंच रही होती है, पहला अगर लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट अगर पहुंच जा रही है, मतलब कि ड्यू पॉइंट जो सैचुरेशन हो रही है कायदे से ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी हो सकता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी हो सकता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर और प्रेशर पर, इन दोनों पर डिपेंड करता है। अगर ये 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, जब भी कंडेंस करेगा कोई भी चीज तो वो इतनी तेजी से हीट लॉस करेगा कि तुरंत के तुरंत आइस में बदल जाएगा। तो इस कारण से लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो हमें यहां पर स्लीट या फिर छोटा छोटा सा थोड़ा सा लिखा गया है कोई बात नहीं, आइस या स्नोफॉल वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि ये जितने भी ग्लेशियर वाले इलाके होते हैं या फिर विंटर सीजन में जो टेम्परेट जोन होता है वहां पर हमें इस तरीके की चीजें दिख जाती हैं, या फिर माउंटेन एरिया में भी हमें इस तरीके की चीजें दिख जाती हैं, लाइक मनाली हो गया या फिर कुल्लू हो गया या फिर कश्मीर में चले जाइए तो वहां पर श्रीनगर हो गया, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, वहां पर हमें इस तरीके की ही स्नो जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, सेकेंड हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, जब हायर रहेगा तो सीधी सी बात है ये लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा और ये लिक्विड का मतलब क्या है, रेनफॉल के फॉर्मेट में यहां पर हमें गिरते हुए मिलेगा। दिस रेनफॉल कैन बी इन द फॉर्मेट ऑफ फॉग, मिस्ट, हेज या फिर रेनफॉल जो होती है, बारिश जो होती है उस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि कंडेंसेशन डज नॉट मीन रेनफॉल, बट रेनफॉल इज अ फॉर्मेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं, मान लीजिए पूरा बड़ा सा अगर कंडेंसेशन का कोई मान लीजिए सेट है तो दिस इज द कंडेंसेशन, तो इसका एक छोटा सा कहीं सबसेट जो है वो रेनफॉल है, बाकी इसके अलावा मिस्ट होती है, हेज होती है, फॉग होती है, स्लीट होती है, हेल होती है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं यहां पर जो कंडेंसेशन के फॉर्मेट में आ जाती हैं। व्हाइट फ्रॉस्ट, स्नो, सम क्लाउड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने अभी यहां पर देख ली है, ड्यू, फॉग, क्लाउड्स रिजल्ट इवन व्हेन द टेम्परेचर इज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन दैट इज एट और नियर द अर्थ सर्फेस एंड इन द फ्री एयर। बाकी ये सब चीजें हम लोग अभी देख ही रहे हैं क्या होने वाला है। अब हम लोग जरा फॉग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉग। अब देखिए फॉग का मतलब पहले आप लोगों को मैं फील करा देता हूं, फिर हम लोग ये जो चीजें यहां लिखी हुई है उसके बारे में देखेंगे। देखिए हमारे पास है एटमॉस्फियर, इस एटमॉस्फियर में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि वाटर वेपर मौजूद है। ये वाटर वेपर जो होता है सरफेस से डायरेक्टली 4 to 5 किलोमीटर तक बहुत ज्यादा ही फैले होते हैं और इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है 2 to 3 किलोमीटर पर ही। तो जितने भी आपको क्लाउड्स वगैरह देखने को मिलते हैं ये केवल ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर क्लाउड से शुरू होता है, तो क्लाउड तो एक तरीके का स्टैगरी फॉर्मेट है जहां पर हम लोग देख लेते हैं, इट इज अ फैगरी फॉर्मेट ऑफ वाटर वेपर। लेकिन इसके अलावा भी तो वाटर वेपर अवेलेबल है, जब ये वाटर वेपर मतलब कि मॉइस्चर या फिर मतलब कि ह्यूमिडिटी और वो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% क्रॉस कर जाती है तो मैंने क्या बोला था, ड्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। बट अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो 100% हुई है अगर वो सस्पेंडेड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाए तो ये बेसिकली जो फॉग होती है
वो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। तो फॉग का मतलब आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ये सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स है। जो जैसे क्या होता है, मान लीजिए फॉगी कोई एरिया है, आप अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाइए, चाहे टू व्हीलर निकल के लेकर के निकलिए या फिर वो फोर व्हीलर निकलिए लेकर के, होगा क्या, आपका जो जो फ्रंट मिरर है या जो ये फ्रंट स्क्रीन आती है वहां पर देखेंगे आप तो पूरा का पूरा पानी लग जाएगा। क्यों? बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स आर गेटिंग ओवर द फ्रंट जो भी आपकी स्क्रीन है और वहां पर ये कंडेंसेट कर जा रहे हैं। तो इस तरीके से फॉग होती है, एक फील आ गई होगी बेसिकली फॉग क्या है। अब देखिए, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर मास कंटेनिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर फॉल्स ऑन अ सडन, अचानक से जब ये टेम्परेचर गिर जाता है जिसके कारण से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 100% हो जाएगी, तो ऑल ऑफ अ सडन कंडेंसेशन टेक प्लेस विद इटसेल्फ ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल। क्यों फाइन डस्ट पार्टिकल? बिकॉज दे आर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है इन्हीं के ऊपर में वाटर ड्रॉपलेट जा करके चिपक जाती है, और इस तरीके से जो हमारी सरफेस है, जो हमारा एरिया है, वहीं पर ये लटके रहते हैं। सो द फॉग इज अ क्लाउड विद इट्स बेस एट और वेरी नियर टू द ग्राउंड, बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही डेंस फॉग होती है, मतलब सामने का कोई पेड़ होता है, कोई गाड़ी होती है, वो भी नहीं दिख पा रही होती है। इन द अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज यहां पर क्या होती है कि स्मोक होती है, जिसके कारण से काफी ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट के लिए एक हाइग्रोस्कोपिक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अब ये हाइग्रोस्कोपिक क्या चीज होती है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम है। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है बट स्टिल चलिए एक थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे ताकि एक बेटर कंफर्टेबिलिटी आ जाए इस पूरे क्लाइमेटोलॉजी में। ओके, दिस प्लेस अ प्लेंटी ऑफ न्यूक्ली विच हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ द फॉग एंड मिस्ट, सच ए कंडीशन व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विद द स्मोक इट इज कॉल्ड एज स्मॉग। इसका हम लोग ज्यादा स्टडी करेंगे जब हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ रहे होंगे, तो इन्वायरमेंट में हम लोग ज्यादा देखेंगे, हालांकि थोड़ा सा हम लोग पोर्शन यहां पर भी देखेंगे। रेडिएशन फॉग रिजल्ट्स फ्रॉम रेडिएशन कूलिंग ऑफ द ग्राउंड एंड एडजेसेंट एयर, दीज फॉग आर नॉट वेरी थिक अनयूजुअल इन द विंटर्स। जैसे होता क्या है, रेडिएशन फॉग का मतलब क्या है जरा समझिएगा, आप लोगों ने देखा होगा विंटर के सीजन में जब हल्की हल्की सनशाइन आती है, हल्की हल्की धूप आती है, तो आपको देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसे फील्ड इलाके में चले जाइए जहां घास वास बहुत ज्यादा हो, तो आपको एक फॉगी टाइप का एटमॉस्फेयर दिखता है, लगता है कि हाँ कुछ नीचे से ऊपर की ओर में उठ रहा है। यही होता है बेसिकली रेडिएशन फॉग, जो रेडिएशंस के कारण से अर्थ जो होती है वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही होती है, और एनर्जी अब्सॉर्ब करने के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, एंड अल्टीमेटली जो है यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 100% होती है, एंड अल्टीमेटली द सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। ठीक है, फॉग फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वार्म एयर व्हेन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर अ कोल्ड सरफेस। तो हालांकि हम लोगों ने कोल्ड सरफेस पे जब जाती है तो फ्रंट के बारे में पढ़ा ही था, एंड दैट वॉज कोल्ड फ्रंट, क्लियर हो गया, एंड बट दीज आर नोन एज एडवेक्शनल फॉग। ठीक है, कोल्ड फ्रंट भी बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं आप एडवेक्शनल फॉग। देखिए यहां पर फ्रंट केवल इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि ये रेगुलर फिनोमिना नहीं है, दिस हैपन्स ओनली इन अ वाइल इन द सीजन ऑफ विंटर कह सकते हैं, और वो भी कुछ कुछ इलाकों में ही होते हैं, बट कोल्ड फ्रंट हम लोग जनरली तब बोलते हैं जब रेगुलर फिनोमिना हो जाती है, लाइक इन द सब ट्रॉपिकल एरियाज और सब टेम्परेट एरियाज, वहां पर हमें इस तरीके की चीजें कोल्ड फ्रंट वाली चीज देखने को मिल जाती है। दीज फॉग्स आर थिक पर्सिस्टेंट एंड अकर्स ओवर वार्म एंड कोल्ड वाटर मिक्सिंग जोन इन द ओशियन समटाइम्स, जैसे कि हम लोगों ने बात किया हुआ था कुरोशियो करेंट ओआशियो करेंट जब आपस में मिलती है तो अगेन वहां पर फॉगी एरिया देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रही है, अगेन वहां पे फॉग जनरेट होगा ही होगा। अब ये फॉग भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे क्या है कि वार्म एरिया है, वार्म का मतलब क्या है एक्सपैंडेड एयर है, इस एक्सपैंडेड एयर में मॉइस्चर खूब ज्यादा इकट्ठा होकर के रखा होगा, लेकिन इसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% होगी ऑब्वियसली, तब क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको जैसे ही कोल्ड विंड मिल जाएगी, ये कोल्ड विंड क्या करेगा, या कोल्ड करंट ओशियन की भी है तो क्या करेगा,
इसके टेम्परेचर को घटा देगा। तो घटाने के कारण से जो ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट में एयर का पार्सल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसके कारण से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी मोर देन 100% हो जाएगी और अल्टीमेटली ये कंडेंस कर जाएगा, फॉग के फॉर्मेट में निकल करके आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉग कैसे बन रहा है जब भी कोई कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में मिल रही है। अब ये चाहे ओशियन में मिले, चाहे सरफेस पे मिले, चाहे एयर मास में मिले, चाहे कहीं पर भी मिले, ये फिजिक्स है, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए, फ्रंटल और प्रेसिपिटेशन फॉग इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मास व्हेन द वार्म एयर इज पुश्ड अंडर बाय द हेवियर कोल्ड एयर मास। ऑलरेडी समझ चुके हैं हम लोग, ये पूरा ही तो यही डिस्कस किए हुए हैं। यहां पर अगेन वही चीज बोली है, प्रेसिपिटेशन इन द वार्म एयर मास कंडेंस टू प्रोड्यूस फॉग एट द बाउंड्री ऑफ द टू एयर मास एंड दीज आर कॉल्ड एज द फ्रंटल और प्रेसिपिटेशन फॉग। क्लियर हो गया, काफी डिटेल में देखा हम लोगों ने, थोड़ी सी फील भी आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग फॉग के बाद दूसरा सिस्टम मिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन फॉग और मिस्ट में कुछ खास नहीं है, बस मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है। जो मॉइस्चर होता है मिस्ट में वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब यू कैन से मिस्ट इज द डेंसर फॉर्मेट ऑफ फॉग। बात खत्म, सारा डिस्कशन ही खत्म हो गया। यहां पे एक बार पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो हम लोगों ने हाइग्रोस्कोपिक वाला लास्ट सेक्शन में छोड़ा है उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। क्या चीज है हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। द डिफरेंस बिटवीन दिस डिस्कस कर लिया, इन मिस्ट ईच न्यूक्ली कंटेन अ थिक लेयर ऑफ मॉइस्चर। अब न्यूक्ली आ रहा है, फटाफट डिस्कस ही कर लेते हैं हाइग्रोस्कोपिक क्या है। ये देखिए, ये एक्चुअली होती है प्रेसिपिटेशन की एक थ्योरी होती है, प्रेसिपिटेशन की थ्योरी जिसको बोलते हैं कोलिजन कोएलिजेंस थ्योरी। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जीएस के सिलेबस में ये नहीं है, ये ऑप्शनल के सिलेबस में आता है, तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस थ्योरी समझिए। अभी समझाता हूं क्या है। देखिए, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब ये होता है, सपोज दिस इज द एयर का पार्सल, ठीक है, एयर का मान लेते हैं ये पार्सल है जिसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दीज विल बी द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है कि H2O होती है, और इनफैक्ट थोड़ी सी केमिस्ट्री अगर आप लोग जानते होंगे तो यहां पर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर यहां पर अवेलेबल होता है, ये सब याद है कि नहीं कुछ आप लोग को, लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अट्रैक्ट कर रहा होता है अगले हाइड्रोजन को, एंड दैट इज व्हाई हर एक हाइड्रोजन जो होती है किसी ना किसी ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ी हुई होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए हाइड्रोजन H2O की जो बॉन्ड कैपेबिलिटी होती है वो बेसिकली 1.33 आती है, अगर आपको याद हो बचपन में आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा बॉन्ड ऑर्डर, अगर कुछ याद हो तो। चलिए खैर कोई बात नहीं, हमारे यहां पे काम नहीं है, बस जस्ट एक मजे के लिए बात कर रहा था। ओके, जो सपाट यहां पर आते हैं हम लोग वापस से, तो बॉन्डिंग में आप लोगों को पता है कि यहां पर इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे ही हम इसे एनर्जी देंगे वैसे ही क्या होगा, H+OH- में टूट जाता है, यानी कि इसकी पोलैरिटी हमें सामने देखने को मिल जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा और समझने की बात यह है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन रैंडम मोशन, कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में है, तो रैंडम मोशन में और ज्यादा आ जाएंगे जब इसको एनर्जी दे दिया जाएगा, है ना। तो एनर्जी देने के बाद होगा क्या, इसका जो रैंडमनेस है वो एक दूसरे के साथ में स्टिक करना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टिक करने के बाद अभी भी कहीं पर भी ये एक साथ कोगुलेट नहीं होंगे, क्यों, बिकॉज एवरी पार्टिकल इज ऑफ हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक, क्यों ये अटैच होंगे एक दूसरे से, क्यों अटैच होंगे भाई, कहीं पर कुछ भी क्या स्टिकनेस, कोई ग्लू वगैरह जुड़ा हुआ है क्या, कहीं फेविकोल लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर एक फेविकोल लगाना पड़ेगा। दिस फेविकोल इज एक्चुअली व्हाट, कि यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है H+OH- में, यहां पर किसी भी एक पोलैरिटी का एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई डस्ट पार्टिकल एंड दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं एक बार इरेज करता हूं। ओके, तो ये मान लेते हैं कि कोई डस्ट पार्टिकल है और ये निगेटिव चार्ज का है, तो निगेटिव चार्ज होने का मतलब ये होगा कि जो H+OH- होगा इसके साथ में H+ जो है अटैच हो जाएगा जा करके, लेकिन ये एच जो है वो ऐसा नहीं है कि वो फ्री है, फ्रीली अवेलेबल तो है नहीं, दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल,
एंड दिस हाइड्रोजन इज अगेन कनेक्टेड विद सम अदर ऑक्सीजन लोन पेयर और इस तरीके से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना पड़ा है। तो इस वजह से ये क्या करेगा, जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल था ये इस तरीके से हाइड्रोजन प्लस एटम को जोड़ता जाएगा और ये हाइड्रोजन वाला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से बाकी के वाटर मॉलिक्यूल को भी जोड़ते जाएंगे और इस तरीके से जो वाटर बहुत पतले बहुत छोटे बहुत ही स्मॉल साइज के वेपर फॉर्मेट में था वो अब बड़ा हो गया है, लार्जर साइज का हो गया। और लार्जर साइज का होते 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 क्या होगा, जैसे जैसे मटेरियल बढ़ता जाएगा एक दूसरे के ऊपर इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जाएगा बिकॉज आपस में ये इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो इंटरैक्ट करने के कारण में जो इनकी एनर्जी होगी वो एनर्जी अल्टीमेटली इसको कंडेंस करा देगी, मतलब इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 100% पहुंचा देगी और ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस डस्ट पार्टिकल को ही हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल या इसी को बोलते हैं न्यूक्ली। ये जो लिखा हुआ है ना न्यूक्ली, ये यही है। समझ में आ गया, बारिश कैसी होती है ये भी समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा इन द मिस्ट ईच न्यूक्ली कंटेन अ थिक लेयर ऑफ मॉइस्चर। अब यहां पर क्या है, न्यूक्ली मतलब कि जब मिस्ट होती है तो यहां पर बड़ी लेयर बन जाती है, मतलब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स को ये आपस में चिपका लिया है और इस कारण से डेंस फॉर्मेट निकल करके सामने आता है। क्लियर हो गया। मिस्ट आर फ्रिक्वेंट ओवर माउंटेन्स बिकॉज यहां पर जो है वो बहुत तेजी से टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है एंड दिस इज गिविंग राइजिंग वार्म एयर अप टू द स्लोप्स कंटेन अ कोल्ड सर्फेस। ओके, मिस्ट इज ऑल्सो फॉर्म बाई वाटर ड्रॉपलेट्स बट विथ लेस मर्जिंग और कोलिजेंस। देखिए यही है वो मर्जिंग और कोलिजेंस जो अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है। देखिए ज्योग्राफी में एक्चुअली क्या होता है, हर एक वर्ड का अपना एक मतलब होता है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, जितना मैं बता रहा हूं सब कुछ लिखा हुआ है, बट क्या है आपको समझने के ऊपर होता है। जब आप वर्ड का मतलब समझ जाते हैं देन यू स्टार्ट लुकिंग इनटू द बुक कि वो वर्ड कहां पर लिखा हुआ है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म इन दैट बुक। ठीक है, तो इस वजह से अलग अलग तरीके हो जाते हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू फोकस कि जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो लेटर एंड स्पिरिट से आपको समझ में आ जानी चाहिए। एनसीईआरटी इज अ मोर देन सफिशियंट फॉर दिस प्रिपरेशन, बट अल्टीमेट थिंग यही है कि उसको समझ पाना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे द हिंदू के पेपर सब लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बातें यहां पर मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं। तो द हिंदू के पेपर में क्या है कि यू आर जस्ट स्टडिंग, यू आर जस्ट रीडिंग द एडिटोरियल पार्ट। क्यों एडिटोरियल केवल पढ़ना है, आपको न्यूज पढ़नी है ना, न्यूज पेपर है ये, न्यूज पढ़नी है। इसमें आपको इकोनॉमी का सेक्शन आप देखना है, इकोनॉमी में भी आपको देखना चाहिए कि वॉट आर थम्स आर देयर, वो टर्म आपको पढ़ना है, उस टर्म पे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। एडिटोरियल आप पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल में भी आपको देखना होता है। जैसे इनफैक्ट 2018 का पेपर जो था वो, हालांकि द हिंदू से पेपर बनता है एवरीवन नोज दैट, तो हिंदू के पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको बस एडिटोरियल रट्टा मार लेना है उसी को आएगा, नहीं। प्रिलिम्स में भी एडिटोरियल से क्वेश्चन बनते हैं, टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे डेमोक्रेसी टर्म है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के टर्म का एडिटोरियल में एक्चुअली पूरा एक आर्टिकल आया हुआ था। फ्रॉम देयर दे टुक द डिटेल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रॉम देयर दे पुट द क्वेश्चन इन द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन। अब मेंस एग्जामिनेशन में तो खैर पूरा का पूरा एडिटोरियल से ही बनता है, दैट इज व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग दिस द हिंदू न्यूज़पेपर। अदरवाइज देयर आर अदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स आर देयर, इंडियन एक्सप्रेस है, काफी अच्छा पेपर है, तो एटलीस्ट 1-2 न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना चाहिए ऑन डेली बेसिस। चलिए खैर, एंड डू नॉट वॉच ओनली द वीडियोज, बहुत लोग खाली वीडियोज देख लेते हैं यूट्यूब पे, ये सारी मतलब देखिए वीडियो से प्रॉब्लम ये होती है कि केवल और केवल जो है आप जो वीडियो में बता रहे हैं वो उन्हीं के व्यू केवल आप जान पाते हैं। आप वीडियो देखिए, अगेन अच्छी चीज़ है इसीलिए बनाया जाता है, लेकिन आप खुद भी पढ़िए एक बार, खुद से पढ़ने पे ये हो जाता है कि आपको एक जो होता है अदर पर्सपेक्टिव भी देखने को मिल जाता है। चलिए खैर, ओके, नाउ मिस्ट इज ऑल्सो फॉर्म वेदर ड्रॉपलेट्स, ये सब बातें कर ली हम लोग। फॉग आर ड्रायर देन मिस्ट, दे आर प्रिवेलेंट वेयर वार्म करंट ऑफ एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड करंट। ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस के लिए, आगे बढ़ लेते हैं हेज के बारे में। हेज क्या होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा हेजी, हेजी टर्म जो होता है वो इंग्लिश का आता रहता है। व्हाट इज द हेजी, हेजी वो होती है जहां पर कोई भी चीज विजिबल ना हो, साफ ना दिखे। तो साफ नहीं दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, इधर समथिंग इज देयर इन द एटमोस्फियर विच इज कंस्ट्रिक्टिंग और लिमिटिंग द विजिबिलिटी। ये विजिबिलिटी हालांकि मिस्ट में भी रुकती है, फॉग में भी रुकती है, देन व्हाट इज दिस हेज, हेज का मतलब ये होता है कुछ नहीं, बस यहां पर थोड़ा सा पॉल्यूटेंट आ जाते हैं और कुछ नहीं है। तो पॉल्यूटेंट भी आ जाते हैं यहां पर, तो हेज ही ट्रेडिशनली और एटमोस्फेरिक
phenomena where dust, smoke and other dry obscure the clarity of the sky. तो यहाँ पर it is something like a smog, जहाँ पर जो होती है smoke के particle या dust particle और भी बहुत सारी चीजें जो आ जाती हैं and visibility को जब ये impact कर जाती हैं then it is called as haze. Clear हो गया? अब जैसे जितने भी forming की technique हो गई, traffic हो गई, industry हो गई, इन सब चीजों में हमें hazy pictures देखने को मिल जाती हैं. Clear हो गया? Now the next thing is smog. स्मॉग के लिए आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग ज्यादा वैसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में एनवायरनमेंट के सेक्शन में. खैर थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं. स्मॉग है, स्मॉग का मतलब स्मोक प्लस फॉग, इसीलिए स्मोकी फॉग बोलते हैं. जनरली ये जो पॉल्यूटेड इलाके होते हैं और वो भी एयर पॉल्यूशन जहां पर होता है वहां पर हमें स्मॉग टाइप की कंडीशन देखने को मिल जाती है. जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्रॉप स्टबल बर्निंग, तो स्टबल बर्निंग जो होती है दिल्ली और नियर बाई रीजन्स में ये होती है. थोड़ी सी कंडीशन को समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे क्या होती है कि ये रबी की क्रॉप है. आपको पता है कि जो रबी की क्रॉप होती है नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल. और आपको पता है कि जो खरीफ की क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप राइस जैसे हो गया, ये जो है वो अगस्त जून अगस्त में बोया जाता है और इसको अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है. काटने के बाद होता क्या है, आज के सिस्टम में कंपाइन चलती है. उससे क्या होता है कि जो मान लीजिए ये क्रॉप है, ये क्रॉप है, ये क्रॉप है, ऊपर से कट कर देगी और नीचे का जो ये सरफेस रह गया है, ये जो नीचे की ये रह गई है क्रॉप स्टबल, जिसको हम लोग बोल देते हैं पराली कई बार, तो ये जो डंडे डंडे लगे हुए हैं ये रह जाती है. अब ये क्या करेंगे, या तो आप मजदूर लगा करके इसको कटवाइए तो इससे नुकसान ज्यादा है और आजकल मजदूरों का नाटक भी बहुत ज्यादा हो रखा है. दूसरा ऑप्शन क्या है, जानवर छोड़ दीजिए. तीसरा ऑप्शन क्या है कि इसको आप जला दीजिए, सेट टू फायर. फायर से फायदा ये हो जाता है कि जो भी चीजें जल करके जमीन पे पहुंचती हैं वो फर्टिलाइजर का काम कर देती हैं. डबल फायदा, आसानी से साफ हो गया, कुछ भी हमें मजदूर नहीं लगाना पड़ा और फिर फर्टिलाइजर का भी काम कर जा रहा है. बट यहां से होता क्या है, जब भी इस तरीके से हम कोई भी चीज बर्न करते हैं तो वो अनबॉन्ड कार्बन के फॉर्मेट में निकल जाता है, अनबॉन्ड कार्बन, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कार्बन. और ये जब ब्लैक कार्बन एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो ये अगेन यही वाला जो न्यूक्ली कहां गया, अच्छा इसमें नहीं है, ये जो हम लोगों ने हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बात किया था वो बन जाता है, यानी कि दिस इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल. अब इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जरा इंपैक्ट देखिएगा, यहां पर देखिए दिस इज आवर इंडिया, यह हमारा इंडिया है एंड दिस थिंग. चलिए अब इस इंडिया में मौसम कब का है, नवंबर का है. आपको पता है कि नवंबर के दौरान में मेडिटेरेनियन सी से, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, यहां से टेम्परेट साइक्लोन्स आ रही होती हैं, आगे बढ़ रही होती हैं आफ्टर कमिंग इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम के संपर्क में आने पर ये आगे बढ़ जाती हैं. बाकी वेस्टर्लीज भी इसको जो है रास्ता प्रोवाइड कर देती हैं. इसके कारण से होता क्या है, जब ये इंडिया में एंटर कर रही हैं तो दे आर हैविंग मॉइस्चर, है कि नहीं मॉइस्चर इनके पास, तो इनके पास मॉइस्चर है और ये मॉइस्चर उठाई हुई है अरेबियन सी से एज वेल एज द मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन से बेसिकली ज्यादा उठाई हुई है और आगे कैस्पियन सी भी इसको मिल जाता है, ब्लैक सी मिल जाती है. खैर ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है अपने मॉनसून वाले सेक्शन में. जैसे ही आगे बढ़ी, यहां पे है हमारा पंजाब हरियाणा, ये क्या है, यहां पर जला के रखा गया है पराली. इस पराली के जलाने के बाद क्या हुआ है, ऊपर पहुंचा हुआ है ब्लैक कार्बन. ब्लैक कार्बन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल बन जाता है. हाइग्रोस्कोपिक के कारण ये निगेटिव चार्ज है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ लेता है. और ये वाटर आ कहां से रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यहां से आ रहा है. इस कारण से ये पूरा का पूरा इलाका हेजी हो जाता है और इसमें दिल्ली भी आ जाता है. अब इसमें क्या है कि जो ब्लैक सूट पार्टिकल है वो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके कपड़ों में ऑब्वियसली चिपकना शुरू हो जाएगा. अगर ये केवल फॉग होता तो आप खाली और खाली गीले हो जाते, वेट हो जाते, लेकिन ये स्मॉग है तो इस कारण से स्मोक के पार्टिकल, जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं वो आपके शरीर पर लग जाएंगे. एंड दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी कंसर्निंग इश्यू बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग द लंग्स ऑफ ह्यूमन. लंग्स को ये ब्लॉक कर रहा होता है और अल्टीमेटली जो होती है अस्थमा और कई सारी और भी लंग प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही होती है. तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली व्हाट इज द थिंग हियर एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग.
ओके, तो दीज आर कमिंग फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, तो आपको पता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो गए. स्मॉग कंटेन्स फूड पार्टिकल्स लाइक स्मॉग या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपोनेंट. ये एक्चुअली होता क्या है कि ये अल्ट्रावायलेट रेस पाए जाते हैं, तो इसके कारण से ये नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, वो बना देते हैं, जो कि अल्टीमेटली अगेन इस प्रोसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज द नेसेंट ऑक्सीजन या जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन है, दे आर वेरी रिएक्टिव, और रिएक्शन के कारण से अल्टीमेटली जो होती है आगे बढ़ जाती है. इसके बारे में हम लोग इन्वायरमेंट में डिटेल में बात करेंगे. चलिए, द टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्मॉग आर रिकॉग्नाइज्ड, लाइक सल्फर वर्क के कारण से सल्फ्यूरस स्मॉग होती है, और फोटोकेमिकल के कारण से फोटोकेमिकल स्मॉग होती है. और फोटोकेमिकल वाला ये हम लोग जो डिस्कस किए थे, फ्री रेडिकल वाला. द रीजन फॉर स्मॉग इज द प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो जाती है. अगर इसके बारे में बात करें सेकेंडरी और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या क्या हैं, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब होता है जो डायरेक्टली आते हैं, लाइक SO2 वाला, ये डायरेक्टली आता है. लेकिन जो फोटोकेमिकल वाला जो हम लोगों ने बात किया है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल वाला, ये सेकेंडरी है, क्योंकि इसको सेकेंडरी टर्म में आती है, इसको डायरेक्टली ये इंपैक्ट नहीं कर पाती हैं, तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के संपर्क में आने पे बन जाती हैं. क्लियर. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इज ओजोन, जैसे O3 है. अब ये O3 बना कैसे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, अब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, तब ओजोन बनाएगा. तो इस तरीके से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाता है. हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जितने भी मीथेन हो गया, तो मीथेन के कारण से अगेन CH3 फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ये भी बनता है. तो अगेन इट्स अ वेरी कंसर्निंग इश्यू अगेन, क्योंकि यहां पर भी सेम वही प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही होती है. अब आप कहेंगे अल्ट्रावायलेट कहां से आ रहा है, इसको तो हमारा ओजोन ऊपर रोक लिया है. कहां रोका है, इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है. तो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, बिकॉज ऑफ दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कमिंग टू द पिक्चर. NO combines with oxygen in the air. ये वही चीज है, NO combines with oxygen in the air, जो हम लोगों ने यहाँ पर कहा गया. यहाँ पर हम लोगों ने NO plus free radical ये discuss किया हुआ था. Acid rain which is formed by the sulfur dioxide or nitrogen dioxide also react with the water, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे. Sulfurous smog के बारे में अगेन थोड़ी मोड़ी चीजें लिखी हुई हैं, इसको बस एक बार read कर लीजिए, क्योंकि this is kind of factual detail. Sulfurous smog is also called as London smog, first launch in London. Sulfurous smog results in from the high concentration of sulfur dioxide in the air and it's caused by the use of sulfur bearing fossil fuels. और ये ultimately कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर SO2 वाला जो primary pollutant है, उसके कारण से जब smog निकल के सामने आती है, उसको हम लोग बोलते हैं sulfurous smog. This is the end of the story. फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके बारे में हम लोग बात ही कर लिए हैं. ये देखिए टर्म एक्चुअली दीज आर इंपॉर्टेंट, कि ये लॉस एंजल्स स्मॉग बोलते हैं और ऊपर वाले दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं लंदन स्मॉग. बाकी सारी चीजें सेम है, जितनी भी चीजें हम लोगों ने बात किया था ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के बारे में, वो सब सेम है. देख सकते हैं आप फोटोकेमिकल, दिस इज द समर स्मॉग फ्रॉम द पॉल्यूटेंट सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे NO2 है. व्हेन इट इज गेटिंग द अल्ट्रा वायलेट, तो ये NO फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली जो है आगे जाकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अ गैस कॉल्ड एज ओजोन बन जाती है, और ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग इशू है. अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है रेनफॉल, जो कि अदर फॉर्मेट ऑफ कंडेंसेशन है. तो बेसिकली जो रेनफॉल होती है वो तीन टाइप की होती है. एक को बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संवहनीय वर्षा. दूसरी होती है इसको ओरोग्राफिक बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, माउंटेन वाली होती है रिलीफ के कारण से. तीसरी होती है साइक्लोनिक या फ्रंटल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा. ठीक है, वन बाय वन करके देख लें. सबसे पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में, तो ये बेसिकली कन्वेक्शन के कारण से होती है. कन्वेक्शन का मतलब संवहन, एंड क्यों ये संवहन है, क्योंकि यहां पर हाई इंसुलेशन इकट्ठा होता है, और हाई इंसुलेशन कहां इकट्ठा होगा, इक्वेटोरियल रीजन में, बात ही खत्म. इक्वेटोरियल एरिया में ये हाई इंसुलेशन होगा, डेली डेली बेसिस पे रेनफॉल होगा, क्योंकि डेली ये संवहन, डेली ये इंसुलेशन इकट्ठा हो रहा होगा. तो देयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट एंड राइजेस अप इन द कन्वेक्शन. जैसे है क्या, मान लीजिए ये आपकी सरफेस है, सरफेस पे हीटिंग काफी ज्यादा हो गई, हीटिंग करने के कारण ये लो प्रेशर कन्वर्ट हो गया है. इस लो प्रेशर के कारण से यहां की जो एयर होगी वो ऊपर राइज कर जाएगी, राइज करने के कारण क्लाउड बना लेगी, और जो भी डेली बेसिस पे यहां पर इवेपोरेशन होके रखा हुआ है, उस इवेपोरेशन के कारण से यहां पर क्यूमुलो निम्बस
क्लाउड बन जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा व्हाई दिस क्यूमुलोनिम्बस, क्योंकि यहां पर घनघोर बारिश होने वाली है, वो भी कम समय में। तो घनघोर क्यूमुलोनिम्बस बारिश मतलब कि कम समय में बारिश, तो इस तरीके से यहां पर घनघोर बारिश हो जाती है। एज इट राइजेस इट एक्सपैंड एंड लूजेस हीट एंड कंसिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक प्लेस एंड क्यूमुलो क्लाउड आर फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस रिलीज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जैसे जैसे ऊपर जाएगा हीट लॉस देखने को मिलेगा, और हीट लॉस के कारण एम डेल्टा एल लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन विच फर्दर हर्ट हीट द एयर एंड फोर्सेस द एयर टू गो फर्दर अप। कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन इज हैवी बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। समझ में आ गया। हाईली लोकलाइज्ड एंड इज एसोसिएटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस। इट अकर्स मेनली ड्यूरिंग समर एंड इज वेरी कॉमन ओवर इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स इन द कॉन्गो बेसिन एंड द अमेजन बेसिन एंड द साउथ मतलब आइलैंड्स ऑफ साउथ एशिया। इनफैक्ट अंडमान निकोबार जो है हमारा, यहां पर भी हमें कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिल जाती है। इसके अगर फिगर के बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं कि दिस इज द सी, दे आर गेटिंग इवेपरेशन, इवेपरेट हो रही है सी, सन इस तरीके से ऊपर उठ रही है और अल्टीमेटली जो होती है बारिश हो जा रही है। नेक्स्ट वन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहां पर बेसिकली होता है क्या, एडियाबेटिक हीटिंग। तो एडियाबेटिक हीटिंग वाला जो केस होता है वो सामने निकल करके आएगा। तो व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है वैसे वैसे एक्सपैंड करता है, टेम्परेचर फॉल करता है जिसके कारण हमें मॉइस्चर कंडेंस कर जाती है। तो देखिए अगेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस इज सैचुरेटेड, तो नियरली ये 100% हो गया है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर इज गोइंग टू फॉल, और जैसे ही टेम्परेचर फॉल करेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 100% हो जाएगी, और जैसे ही ये 100% वाला बैरियर क्रॉस करेगा कंडेंस कर जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन वार्म ह्यूमिड एयर स्ट्राइक्स ऑन ओरोग्राफिक बैरियर हेड ऑन। Because of the initial momentum, the air is forced to rise as the moisture-laden air gains height, condensation sets in and soon saturation is reached. The surplus moisture falls down as the orographic precipitation along the windward slope. The chief characteristic of this sort of rain is that the windward slope receives greater rainfall. After giving rain on the windward side, these winds reach on the other side. और वहां पर जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर का गेन होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, और फिर यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% और कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जाएगा, जिसके कारण से माउंटेन के दूसरे साइड में बारिश यहां पर नहीं होगी, और इस कारण से हम लोग इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, या इसी को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश हिंदी में बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। समझ में आ गया क्या चीज है। तो ये चीज है, यहाँ पर फोटोग्राफ आप देख सकते हैं कि इस एरिया में अच्छा खासा बारिश हो रही है, दूसरे साइड में ये रेन शैडो रीजन बना हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से सीधे हो रही है। इस वाले विंड को हम लोग बोलते हैं कैटाबैटिक विंड, दिस इज कैटाबैटिक विंड, और दूसरे वाले को बोलते हैं एनाबैटिक, एनाबैटिक विंड। समझ में आ गया क्या चीज है। तो इस तरीके से यहां पर चीजें हो जाती है। लास्टली आ जाती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी फ्रंट के दौरान में बताया हुआ था कि कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास आता है, क्लाउड बनते हैं और यहां पर शावरिंग होना शुरू हो जाती है, हल्की फुल्की रेनफॉल होती है, शावर के फॉर्मेट में होती है। व्हेन द टू एयर मास डिफरेंट टेम्परेचर मीट टर्बुलेंट कंडीशन प्रोड्यूस होती है और अल्टीमेटली जो होती है इस तरीके से रेनफॉल हो जाती है। लास्टली आती है साइक्लोनिक रेनफॉल, दिस इज नॉट कन्वेक्शनल, दिस इज साइक्लोनिक। साइक्लोनिक रेनफॉल में एक और कंडीशन होती है, दिस इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑन द लार्ज स्केल। यहां पर जो चीज होती है वो टेम्परेट साइक्लोन के कारण से होती है, देख सकते हैं इस तरीके से चीजें बन रही है, और हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये लास्टली जो होती है एक और रेनफॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनसूनल रेनफॉल। मॉनसूनल रेनफॉल के बारे में अगेन हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है कि दिस इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, जिसके कारण से अगेन वही ITCZ अपना रूप चेंज करती है और इस तरीके से हमें ईस्टर्ली वेस्टर्ड विंड और चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग जरा देख लेते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। अब ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल में कौन कौन से फैक्टर वर्क करेंगे। फर्स्ट इज प्रेशर, सेकेंड इज ओशियन करेंट, थर्ड इज विंड। तो इन सबको लेते हुए अगर बात किया जाए तो हमें पता है कि जितने भी ईस्टर्न साइड वाले हैं, जितने भी ईस्टर्न साइड वाले हैं वो इलाके यहां पर क्या है, ये जितने भी इलाके हैं ये वार्म एरिया वाले हैं, क्योंकि यहां पर वार्म करंट है। ठीक है, वार्म करंट इन सब इलाके में है,
यहां पर भी वार्म करंट है, इस इलाके में भी वार्म करंट है, तो वार्म करंट के कारण यहां पर हमें रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। तो इस रेनफॉल में हम लोग अगर एक फिगर देखें तो सबसे पहले तो हमारी जितने भी इक्वेटोरियल रीजन है, तो ये हमारी जो इक्वेटोरियल एरियाज हैं, ये हमें अच्छा खासा रेनफॉल देखने को इस इलाके में मिल जाता है। तो दीज आर इक्वेटोरियल रेनफॉल रीजन एंड दे आर गेटिंग द डेली बेसिस पे रेनफॉल यहां पर देखने को मिल जाती है। यहां पर भी हमें चीजें मिल जाएंगी और साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा का पूरा रीजन मिल जाएगा हमें इक्वेटोरियल रेनफॉल वाला, ये हमारा अंडमान निकोबार पे भी हमें इक्वेटोरियल मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा दूसरे कलर में ले लेते हैं, मॉनसूनल को पहले दिखा देते हैं। तो मॉनसूनल रेनफॉल हमें इंडिया में देखने को मिलती है, तो मॉनसूनल रेनफॉल में हमें इस इलाके में मॉनसूनल मिलती है, इसके अलावा इस पूरे रीजन में हमें मॉनसूनल देखने को मिल जाती है, इसके अलावा यहां पर भी हमें, यहां पर भी थोड़ा सा हमें मॉनसूनल देखने को मिलती है, इस इलाके में भी हमें हल्का मॉनसूनल देखने को मिल जाता है, ठीक है। फ्लोरिडा में भी थोड़ा सा मॉनसूनल इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो हमें रेनफॉल और देखने को मिलती है। अब देखिए ये रेनफॉल हमें अब रिलेटिवली कम होनी शुरू हो जाएगी, दिस इज सब, कह लीजिए कि सब मॉइस्ट टाइप की क्लाइमेट है जो इसके चारों ओर में हमें देखने को मिल जाती है, हल्की रेनफॉल होती है। एंड अगेन ये भी हल्की रेनफॉल यहां पर देखने को मिलेगी, इस इलाके में भी हल्की रेनफॉल देखने को मिल जाती है। इसके बाद डेजर्टी रीजन आ जाता है, डेजर्टी रीजन को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, इस पेटागोनिया के पास ये पूरा डेजर्टी इलाका होता है। सिमिलरली यहां पर डेजर्टी इलाका है, ये सुनोरन मोहावी डेजर्ट यहां पर पाए जाते हैं। सिमिलरली इंडिया में आएंगे तो यहां पर हमें थार डेजर्ट देखने को मिल जाती है, दिस इज एक्चुअली द पेनिनसुलर पार्ट जहां पर हमें डेजर्टी रीजन देखने को मिल जाता है। दिस होल थिंग, होल वेस्टर्न कॉन्टिनेंट इज द डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट यहां पर होता है। बाकी यहां पर आ जाएंगे तो कालाहारी डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है, तो ये इलाका जो होता है वो अगेन डेजर्टी एरिया है। यहां पर गोभी है, तो गोभी यहां पर भी जो होता है वो डेजर्ट एरिया देखने को मिल जाती है। यहां पर हमारा हल्का सा लद्दाख का रीजन, वो भी डेजर्टी रीजन है। मंगोलिया का पार्ट भी अगेन डेजर्टी रीजन हो जाता है, क्योंकि यहां पर भी कुछ खास बारिश नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, और ये पूरा का पूरा सहारा तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं है, तो दिस इज बेसिकली द होल सहारा विच इज एक्चुअली द डेजर्ट एंड अरेबियन पेनिनसुला, डेजर्टिफिकेशन हो गया है, फैल गया है। तो ये चीज हम लोगों ने डेजर्ट के बारे में देख लिया। अब उसके बाद जरा देख लेते हैं कि कहां पर हमें वेस्टर्न, मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि टेम्परेट के कारण से बारिश होती है। तो टेम्परेट के कारण से जो बारिश होती है वो हमें इस इलाके में देखने को मिलती है। तो ये जो इलाका होता है वो ठंड में बारिश यहां पर होती है, मेडिटेरेनियन के चारों ओर, हल्का फुल्का हमारे यहां पर भी होती है और इस इलाके में भी। यहां पर हमें ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द एरिया वेयर वी आर गेटिंग द टेम्परेट टाइप ऑफ साइक्लोन, ठीक है। इसी तरीके से हल्का सा हमें यहां पर भी देखने को मिल जाता है टेम्परेट के कारण से, और बाकी जितने इलाके हैं वहां पर हमें लाइट रेनफॉल देखने को मिल जाती है। सब लाइट रेनफॉल वाले इलाके हैं, लाइट रेनफॉल वाले इलाके हैं, बाकी कहीं पर भी हमको कुछ खास रेनफॉल नहीं मिलती है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। अगर आपको कोई डाउट डिस्कशन करना होता है तो आप इन सब चैनल्स पे कर सकते हैं, या फिर हम तक रीच आउट करना हो तो भी हम तक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।